Welcome to my class. In Excel, there are a number of logical functions. The first one is if function, second and function, the third one is or function, the fourth one not function, fifth one ifs function, sixth if na function, seventh if error function, eighth true function, ninth function is false, 10th switch function, and 11th one is XOR function. All these are logical functions. In this particular video lecture, we will talk about if function, and this is example number 5. Is particular question ke andar hame kuch requirements di gayi hain. Sabse pehle hum ek choti si table ko dekhte hain. Iske andar 3 column diye gaye hain: name of student, marks obtained and total marks. इसके अंदर हमें कंडीशन दी गई है कि पासिंग मार्क्स 40 हैं. इट मींस जिस स्टूडेंट के 40 या 40 से ज़्यादा मार्क्स हैं वो पास है, और जिसके 40 से कम मार्क्स हैं वो फेल है. अब क्वेश्चन के अंदर जो मेन रिक्वायरमेंट है, मैं उसके ऊपर आ रहा हूँ. गिव 5 नंबर एज ग्रेस मार्क टू स्टूडेंट्स हु हैव लेस देन पासिंग मार्क्स, दैट इज 40. जिन स्टूडेंट के 40 से कम मार्क्स हैं, आप उन्हें 5 नंबर की ग्रेस दे दीजिए, यानी कि उनके मार्क्स 5 नंबर बढ़ा दीजिए. और इस पर्टिकुलर चीज़ को करने के लिए मैं दो मेथड को टेकअप करूंगा. फर्स्ट इज बाय यूजिंग 40 मार्क्स, एंड द सेकंड इज बाय यूजिंग सेल रेफरेंस. तो सबसे पहले तो स्टूडेंट्स, मैं आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर कुछ मार्क्स को टेकअप कर रहा हूँ. 54, 35, 45, 38, 90 and 31. ये मार्क्स मैंने आर्बिट्रेरी बेसिस के ऊपर ले लिए, और अब मैं इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा. यहाँ पर जिन स्टूडेंट के पासिंग मार्क्स नहीं हैं, हमने उन्हें 5 नंबर की ग्रेस देनी है, यानी कि उनके एग्जिस्टिंग मार्क्स के अंदर हमने 5 नंबर ऐड करने हैं. आइएगा इस क्वेश्चन को शुरू करते हैं. सबसे पहले मैं इफ फंक्शन को टेकअप करूंगा बाय यूजिंग 40 मार्क्स. इस जगह के ऊपर मैं इफ फंक्शन को इंप्लीमेंट कर रहा हूं. इक्वल्स टू इफ B5 इज लेस देन 40, B5 प्लस 5 मार्क्स, नहीं तो यही मार्क्स रहने दो. आई क्लोज पेरेंथिसिस, आई प्रेस एंटर. स्टूडेंट इस चीज को एनालाइज करते हैं कि ये 54 कैसे आया. इफ B5 इज लेस देन 40, B5 के अंदर वैल्यू है 54. क्या 54 40 से छोटा है? आंसर इज नो. जब ये फॉल्स है तो ये फर्स्ट पार्ट का एग्जीक्यूट नहीं करेगा, सेकंड पार्ट में आ जाएगा, और सेकंड पार्ट के अंदर हमने ये कहा B5 है तो B5 ही दे दो. तो इसने हमें 54 वैल्यू दे दी. आई प्रेस एंटर. मैं इसको नीचे ड्रैग डाउन करता हूं. अब इस केस के अंदर देखते हैं कि ये 40 कैसे हो गया. इफ B6 के अंदर वैल्यू है 35. इफ 35 इज लेस देन 40, बिल्कुल ट्रू है, 35 40 से कम है. ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट कर दो, B6 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो. B6 की वैल्यू थी 35, 35 के अंदर 5 ऐड कर दो. मैं एंटर प्रेस कर रहा हूं तो यहां पर 40 मार्क्स आ गए. एक स्टेप नीचे चल रहा हूं, 45. इफ B7 इज लेस देन 40, B7 के अंदर वैल्यू है 45. क्या 45 40 से कम है? फॉल्स. फॉल्स है तो सेकंड पार्ट के अंदर आ जाओ, और सेकंड पार्ट में क्या कहता है, B7 ही दे दो. B7 मींस 45 मार्क्स ही दे दो. आई प्रेस एंटर. आई मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट. मैं इसको नीचे ड्रैग करता हूँ. डबल क्लिक किया तो ये फंक्शन आ गया. इस फंक्शन को भी चेक करते हैं. इफ B8 इज लेस देन 40, B8 के अंदर वैल्यू है 38. क्या 38 40 से कम है? ट्रू, ये कम है. ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो. फर्स्ट पार्ट हमें क्या कहता है, B8 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो. B8 की वैल्यू थी 38, तो 38 के अंदर 5 ऐड कर दो, इट कम्स टू 43. आई प्रेस एंटर.
मैं इस तरह से सभी स्टूडेंट के जिनके मार्क्स 40 से कम है उनको 5 नंबर की ग्रेस दे सकता हूँ। इस केस के अंदर हमने जिस फंक्शन को यूज़ किया मैं आपके रेफरेंस के लिए वो यहाँ पर दे रहा हूँ। नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट मेथड, दैट इज़ बाय यूजिंग सेल रेफरेंस। मैं इस जगह के ऊपर इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा, लेकिन इस बारी मुझे 40 मार्क्स नहीं लिखने बल्कि सेल रेफरेंस देनी है। मैं यहाँ पर इफ को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू इफ B5 इज लेस देन B13, क्योंकि स्टूडेंट मुझे ये नीचे ड्रैग डाउन करना है और जैसे मैं ड्रैग डाउन करूँगा B13 से इसकी रेफरेंस चेंज हो जाएगी, जो कि मैं नहीं चाहता कि चेंज हो। इसके लिए मैंने F4 को प्रेस करके B13 को फिक्स कर दिया। इफ B5 के अंदर वैल्यू है 54, अगर 54 B13 से कम है, B5 54 40 से कम नहीं है, अगर कम है तो ये B5 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो, और अगर कम नहीं है तो हमें B5 वाली वैल्यू ही दे दो। स्टूडेंट इसको एक बारी अंडरस्टैंड कीजिएगा, B5 के अंदर वैल्यू है 54, क्या 54 B13 से कम है? आंसर इज नो, कम नहीं है। जब ये ट्रू नहीं है तो इट मींस ये फॉल्स है, फॉल्स है तो सेकंड पार्ट के अंदर आ जाओ और सेकंड पार्ट कहता है B5 दे दो। आई प्रेस एंटर, मुझे 54 मार्क्स निकल के आ गए। मैं इसको ड्रैग कर रहा हूँ नीचे, सेकंड फंक्शन को देखते हैं। इफ B6 के अंदर वैल्यू 35, क्या 35 B13 से कम है? B13 के अंदर वैल्यू है 40, 35 40 से कम है, ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। B6 35 के अंदर 5 और ऐड कर दो, इट मींस दिस कम्स टू 40 मार्क्स। मैं इसे फिल हैंडल के जरिए इसको ड्रैग कर देता हूँ, मेरे पास सभी का रिजल्ट निकल के आ गया। हमने इस मेथड के अंदर जिस फंक्शन को यूज़ किया मैं आपके रेफरेंस के लिए नीचे दे रहा हूँ। स्टूडेंट इसके बाद हमारे क्वेश्चन की रिक्वायरमेंट ही चेंज हो जाती है, और यहाँ पर हमें ये कहा गया है जिन स्टूडेंट को ग्रेस मार्क्स दिए गए हैं सिर्फ उन्हीं के मार्क्स दिखाओ, बाकी स्टूडेंट के मार्क्स हमें नहीं चाहिए। तो मैं एक बारी इफ फंक्शन को फिर दो तरीके से इम्प्लीमेंट करूँगा, पहले मैं मार्क्स लेके और उसके बाद सेल रेफरेंसिंग को लेके। मैं इस जगह के ऊपर इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट करूँगा, उन स्टूडेंट के मार्क्स हमें दिखाने हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिली है, बाकी किसी स्टूडेंट के मार्क्स हमें नहीं दिखाने। यहाँ पर मैं इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ, इक्वल्स टू इफ B5 इज लेस देन 40, अगर तो ये 40 से कम है तो इसके मार्क्स के अंदर 5 ऐड कर दो, और अगर ये 40 से कम नहीं है तो इसको ब्लैंक छोड़ दो, पेरेंथिसिस क्लोज। स्टूडेंट इसको अंडरस्टैंड करते हैं, B5 के अंदर वैल्यू है 54, क्या 54 40 से कम है? आंसर इज नो, ये फॉल्स है, फॉल्स है तो फर्स्ट पार्ट को छोड़ दो, सेकंड पार्ट में आ जाओ और सेकंड पार्ट कहता है ब्लैंक छोड़ दो। मैं एंटर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे को कोई वैल्यू नहीं मिली, बट यहाँ पर फंक्शन इम्प्लीमेंटेड है। मैं यहाँ पर क्लिक कर रहा हूँ, आप फार्मूला बार के अंदर ये फंक्शन देख सकते हैं। मैं इसे ही नीचे ड्रैग करता हूँ, मेरे पास नीचे एक वैल्यू आ गई, मैंने यहाँ पे डबल क्लिक किया, मेरे सामने फंक्शन ओपन अप हो गया। इस फंक्शन को भी देखते हैं कि इस फंक्शन के अंदर क्या कहा गया है। इफ B6 इज लेस देन 40, B6 के अंदर वैल्यू है 35, क्या 35 40 से कम है? यस, 35 40 से कम है, ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा गया, B6 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो, B6 के अंदर वैल्यू है 35, तो 35 के अंदर 5 ऐड कर दो, दिस कम्स टू 40। मैं सेकंड सेल के अंदर फिल हैंडल को लेके ड्रैग डाउन कर रहा हूँ। आप देख रहे हैं कि हमारे पास तीन जगह के ऊपर ये रिजल्ट आ गया। मैं इस 36 मार्क्स वाले को एनालाइज करता हूँ, डबल क्लिक किया इसी सेल के अंदर, तो
तो ये फंक्शन विजिबल हो गया। आइए गाइस फंक्शन को देखते हैं। इफ बी 10 इज लेस देन 40, बी 10 के अंदर वैल्यू है 31, 40 से कम है, ट्रू, ये कम है, ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट को एग्जीक्यूट कर दो। और फर्स्ट पार्ट के अंदर क्या कहा गया है, बी 10 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो, बी 10 की वैल्यू थी 31 के अंदर 5 ऐड कर दो, देन दिस कम्स टू 36। आई प्रेस एंटर, मेरे पास 36 वैल्यू आ गई। इस तरह से मेरे पास उन स्टूडेंट के मार्क्स आ गए जिन्हें हमने ग्रेस मार्क्स दिए हैं। मैं इस जगह के ऊपर जिस फंक्शन को यूज की है वो आपके रेफरेंस के लिए मैं दे रहा हूँ। अब मैं मूव कर रहा हूँ लास्ट पॉइंट के ऊपर, और यहाँ पर हमें उन स्टूडेंट्स के मार्क्स देने हैं जिन्हें ग्रेस मार्क्स मिले हैं, लेकिन हम सेल रेफरेंसिंग को यूज करेंगे, 40 मार्क्स हम नहीं लिखेंगे। मैं यहाँ पर इफ फंक्शन को इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। इफ बी 5 इज लेस देन 40 मार्क्स, इस पर ही मैं 40 नहीं दे रहा बल्कि सेल रेफरेंस दे रहा हूँ। जब मैं इसे ड्रैग करूँगा तो बी 5 का बी 6 हो जाएगा और बी 13 का बी 14 हो जाएगा। मैं चाहता हूँ कि ये बी 13 चेंज ना हो, इसलिए मैं इसको एब्सोल्यूट रेफरेंसिंग के लिए F4 प्रेस करके फिक्स कर देता हूँ। पहले मैं फंक्शन लिख देता हूँ और उसके बाद आपको इंटरप्रेट कर दूंगा। इफ बी 5 इज लेस देन बी 13 तो बी 5 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो, नहीं तो इसको ब्लैंक ही छोड़ दो। आइएगा मैं अब आपके सामने इसको इंटरप्रेट करता हूँ। बी फाइव के अंदर वैल्यू है 54, क्या 54 कम है बी 13? बी 13 के अंदर वैल्यू है 40, क्या 54 40 से कम है? आंसर इज नो, फॉल्स है। फॉल्स है तो सेकंड पार्ट के अंदर आ जाओ, और सेकंड पार्ट हमें ये कह रहा है ब्लैंक छोड़ दो। आई प्रेस एंटर, कुछ भी नहीं आया, लेकिन यहाँ पर फॉर्मूला इम्प्लीमेंटेड है। आप फार्मूला बार के अंदर देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही फर्स्ट सेल पे क्लिक किया फार्मूला बार के अंदर ये फंक्शन आ गया। अब देखिएगा मैं नीचे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर तो अभी ये फंक्शन इम्प्लीमेंटेड ही नहीं है। मैंने फर्स्ट वाले सेल से नीचे फंक्शन को कॉपी किया, मेरे पास यहाँ पर एक वैल्यू आ गई। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये क्या है। इफ बी सिक्स के अंदर वैल्यू है 35 इज लेस देन बी 13, बी 13 के अंदर वैल्यू है 40, क्या 35 40 से कम है? ट्रू, 35 40 से कम है, ट्रू है तो फर्स्ट पार्ट एग्जीक्यूट कर दो। फर्स्ट पार्ट के अंदर हमें क्या कहा गया है, बी 6 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड कर दो। मैं यहां पर एंटर प्रेस कर रहा हूं तो आप देखिएगा 35 की वैल्यू के अंदर 5 ऐड हो जाएंगे, देन द आंसर इज 40। मैंने इसको नीचे ड्रैग डाउन कर दिया, मेरे पास उन स्टूडेंट के मार्क्स आ गए जिन स्टूडेंट को हमने ग्रेस मार्क्स दी थी। और हमने इस पर्टिकुलर चीज को दो तरीके से इम्प्लीमेंट किया है, एक विदाउट यूजिंग सेल रेफरेंसिंग, दूसरा विद द यूज ऑफ सेल रेफरेंस। मैंने जिस फंक्शन को यहाँ पे टेकअप किया मैं आपकी कन्वीनियंस के लिए उसे यहाँ पर दे रहा हूँ। स्टूडेंट मैं समझता हूँ कि इस क्वेश्चन की एक बारी प्रैक्टिस करेंगे तो आपका लॉजिक बहुत ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच।